नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव 24 न्यूज से। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने आया हूं जो काफी चर्चा में है। जी हां, इसका नाम है ऑन पैसिव। ये 2018-19 में आई है और अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई है, बट इसने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी है। ये सभी लोगों को कहती है कि ये को फाउंडर बना रही है और इसकी इसने ज्वाइनिंग फीस रखी है 8.5 से 9 हजार रुपए। बाद में इनका कहना है कि अभी आप अपनी टीम बनाइए 3, 6, 9, 27 इस तरह के रूप में। बाद में जब ये लॉन्च करेंगे तो आपके अंडर में डायरेक्टली 3 लोग आपको ये देंगे। अब इस तरह का जो झांसा ये दे रही है, इसकी कोई ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये ऐसा करेगी, बट हाँ, लोग इसमें फंसते चले जा रहे हैं। ये ऑनलाइन या MLM कंपनियां कब से आई हैं? सर 1996 में आपने सुना होगा एमवे 1996 में लॉन्च हुई, 1998 में भारत में आई। उसके बाद आज तक ये चल रही है अपने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के बल पर, लोगों का कमीशन दे रही है। मोदी केयर, एवॉन, ऐसी कंपनियां आज भी चल रही है प्रोडक्ट्स के दम पे। ये अपने कोई प्रोडक्ट्स लेके नहीं आई है, इसने जो प्रोडक्ट्स कहा है वो IT सेक्टर से रिलेटेड है। इन्होंने कहा कि मैं जूम ऐप और गूगल, फेसबुक, इससे भी बड़ा ऐप ये बनाएंगे, ऐसा इनका कहना है, बट ऐसा लगता नहीं है। सन 2001 में भी कंपनियां आई थी, जैसे कि उन्होंने कहा था कि ई लर्निंग प्रोग्राम सिखाएंगे 4,000 रुपए में, लोग फंसे उसमें और लोग उसमें अपना पैसा डुबोया लोगों ने। सन 2011 में आपने अच्छी तरह से सुना होगा कि स्पीकेशन नाम की कंपनी आई थी और उसने काफी धूम मचा दिया था। राम सर्वे ने भी काफी धूम मचाया था, 4,000-11,000 तक की ज्वाइनिंग होती थी इन सब कंपनियों की और लोग उसमें सर्वे करते थे और कई लैपटॉप खरीदते थे और सर्वे कर करके उन्होंने पैसे भी कमाए हैं। लेकिन एक न्यूज चैनल ने इसका भंडार फोड़ कर दिया और अचानक जो है ये सब कंपनियां बंद हो गई। तो अंत में इनका यही हाल होता है, क्योंकि इनको फायदा तभी होता है जब ये भागती हैं। ये कंपनी भी ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है, इसके लक्षण यही है, क्योंकि ये कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है। बार बार कहती है कि दिसंबर में लॉन्च होगी, अभी लॉन्च होगी मई में, अब कह रहे हैं अगस्त में लॉन्च होगी, बट ये लॉन्च नहीं हो रही है। तो हो सके तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए इस तरह की कंपनी से। कभी भी ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता जिससे आप अचानक माला माल हो जाए। ये कंपनियां इसी नर्व्स को दबाती हैं, क्योंकि हमारा देश भी बड़ा गरीब है और यहाँ पे जो लोग सपने दिखाते हैं उनके झांसे में लोग आ जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इस तरह की कंपनी के झांसे में मत आइए। मैं आशुतोष श्रीवास्तव 24 न्यूज से, नमस्कार।